feelings. When I look into your eyes, I believe. If you move out from my side, I'll be losing grip on you, grip on you. पार्ट वन की स्टार्टिंग में हम सनशाइन, रेनबो और टाइनी को नाचते हुए देखते हैं, जहाँ एक लड़की जिनका ये लोग मिलकर टचअप करने लग जाते हैं, वो भी अपना गाना गाते हुए उसको एक स्टूडेंट से महासुंदरी लड़की बना देते हैं। तभी वहाँ एक ऑर्डिनरी सी लड़की आती है जिनको ये लोग पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती अपना टचअप देने लगते हैं। और उसके बाद उनके पास कीना आती है, जिन्हें ये अच्छे से ड्रेसअप देने के बाद अच्छे से मेकअप से उसको परी बना देते हैं। देन ये लोग नाचते और झूमते हैं और हम किन की कहानी, किन की ही ज़ुबानी सुन पाते हैं, जो कि ये थी कि वो एक अच्छी खासी लाइफ गुजारा करती थी अपने अच्छे डैड और अच्छी सौतेली माँ के साथ। बट एक दिन उसके डैड का देहांत हो गया, जिससे उनकी लाइफ पूरी तरह से उलट सी गई। उसकी माँ अब प्रेजेंट में रो रही थी बाथटब और एसी के लिए, और दोनों अब घर के अंदर जाते हैं। किन ने अपने पैसे कमाने के लिए कई सारी जॉब्स की, लॉटरी खेली, बट वो जीती नहीं। यहाँ तक कि यूट्यूबर भी बनने की कोशिश की, बट कोई भी व्यूज नहीं आए। और अब उसने मन बना लिया था कि कुछ नहीं होगा तो वो अमीर लड़कों को फंसाकर पैसे खींचेगी। देन वो एक लड़के से टकरा भी जाती है और वो लड़का उसके लिए सीरियस हो जाता है और उसे अपनी माँ के पास लेकर चला जाता है। और उसकी माँ उसकी खूबसूरती को लेकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है, बट वहाँ एक लेडी आकर बोलती है, ये तो मेरे दुकान का ड्रेस है, मुझे वापस कर दो। और वो वहाँ से जान छुड़ाकर भागने लगती है और अपने जूते शूते उतार देती है। और वो अपने रेस्टोरेंट के किचन आती है, जहाँ पर खड़ा शख्स पार्न बोलता है, जल्दी नहीं आ गई तुम? तो वो बोलती है, उसे एक अमीर बंदा चाहिए जो कि उसकी केयर करे और उसका अकाउंट भी गर्म हो। वो उसे ब्लेसिंग मांगती है तो वो उसे कर्ज दे देता है कि उसके बॉयफ्रेंड तो बने, बट जो भी हो वो उसे प्यार ना करता हो। और वो दोनों मिलकर एक डिलिशियस सा फूड बनाते हैं। अब तो किन अपने पैसे गिनने लगती है कि आज उसने कितने कमाए, बट तभी उसे आवाज़ आती है जो कि उसकी मॉम की थी। वहाँ पे एक लोन देने वाली उससे लोन लेने आई थी, जो उसे ज़ोर ज़बरदस्ती पैसे मांग रही थी। वहाँ कुछ गुंडे भी थे और उस बीच किन टपक जाती है, तो वो लेडी उससे उसके पैसे छीन लेती है। तो किन उसे सुनाने लगती है, बट वो लेडी बोलती है कि ये मत भूलना कि मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा है, मुझे भी मेहनत लगती है पैसे लेने में। और वो उसे वार्निंग देकर चली जाती है। अब घर में ये बोलती है कि अगर वो लोग शूट कर ही देते तो वो क्या करती। तो किन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बोलती है ये करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तो मैनेज कर रही थी ना। तो किन बोलती है कि खाक कर रही थी आप, आपकी इन लीगल चीज़ों की वजह से मैं इस हाल में हूँ। तो ये उसे अपनी नई बिजनेस यानी कि अपनी लोशन के बारे में बताती है, बट किन को इसमें कोई भी यकीन नहीं था कि ये बिजनेस चलेगा भी। अब वो कपड़े धो रही थी, जहाँ दिन आता है तो किन उसे ड्रिंक लाकर देती है, तो दिन उसका मजाक बनाने लगता है कि वो कैसे मुंह बना के पीती है। तो वो उसे बताती है कि उसे एक अमीर बॉयफ्रेंड चाहिए जो उसका ख्याल के साथ फाइनेंशियल तरीके से भी ख्याल रखे। अब रात में वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही थी, बट कुछ पेपर्स देख वो खुश हो जाती है और सुबह शनेल के बैग को लेकर एक मुर्गे को फंसाने के जंग में आ जाती है। लेकिन तभी वो एक ड्रंक में गिर जाती है और उसे उसके सपनों का राजकुमार उठाने के लिए अपना हाथ दे देता है, जिससे किन देखती रह जाती है। और इस सब के चक्कर में उसमें भी कुछ छींटे पड़ जाते हैं और वह बाहर आती है तो उसे छूने की कोशिश करने लगती है, बट वो रुक जाती है। तो वो अपना चेहरा पानी से धोता है, जिसे किन देखती ही रह जाती है, और वो उसके मुंह को भी धोने लगता है। तो किन उसके चेस्ट को पिंच कर देती है और बोलती है कि एक्सीडेंटली हो गया, और वो उसका हाल पूछ वहाँ से चला जाता है। और उन दोनों की फ़ोटोज़ वायरल हो जाती है, जो देखकर सेलों में सब बहुत खुश हो जाते हैं। बट सनशाइन उनको बहुत रोकने की कोशिश करती है और उनकी गलत फहमी मिटाने की कोशिश करती है, बट वो लोग इस गलत फहमी को दूर नहीं करना चाहते थे। तो दिन बोलता है, ये साफ दिख रहा है कि उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बस वो तुम्हें बचा रहे थे। अब किन एक इवेंट देखती है जिसमें बैंक आने वाला था, ये इवेंट उसकी माँ का ही था। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, ये असली का भी बैंक है, यानी कि पैसों से, और इसका नाम भी बैंक है। अब की इन भाड़े की मेकअप और एक अच्छा ड्रेसअप करती है और क्राउन लगाकर सुंदर सी लड़की बन जाती है। उसे दिन छोड़कर आता है अपने घर से और वो कोई ड्रिंक पीती है और उसे पिकअप करने से मना करती है, क्योंकि उसका प्रिंस उसे छोड़ने आएगा। अब वो उस इवेंट में पहुंचती है, एक लेडी बहुत ही अच्छा लेक्चर देती है और डोनेशन की बात करती है जो खाने को लेकर था।
वो सबको खाना प्रोवाइड करना चाहती थी और ये इवेंट भी इसलिए ही ऑर्गेनाइज किया गया था। वो सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। किन बोलती है, ये तो एंजल है। वो लेडी आकर जिस लड़की ने उस स्क्रिप्ट को लिखा था उसे सुनाने लगती है कि ये स्क्रिप्ट अच्छा नहीं था और वो बोलती है तुम्हारे लिए ये ओहदा सूट नहीं करता है, और बाकायदा वो फायर हो चुकी थी। किन बैंक को ढूंढने लगता है तो उसे उसका कलीग मिल जाता है जो उसे परेशान करने लगता है। जैसे उसे किसी का कॉल आता है, वो लग जाता है अब किन निकलने लगती है, लेकिन तभी एक लेडी उस पर जूस गिरा देती है। सारे पेरेंट की बिजनेस को लेकर बात छिड़ी हुई थी तो एक लेडी बोलती है कि आपका बेटा तो बहुत लकी है। तो बैंक की मॉम बोलती है लकी से तो कुछ नहीं होता ना, मेरा बेटा सबको प्रूव कर देगा कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। अब बैंक की माँ अकेले में उसे समझा रही थी कि वो कब प्रूव करेगा खुद को, आई होप जल्द कर दो। अब किन बाथरूम से बाहर आती है और उसे पार्न रोते हुए दिखता है, जिसे देखकर वो उससे पूछने की कोशिश कर रही थी आखिर क्या हुआ, बट वो बताने के हाल में नहीं था। वो बताता है कि टॉन ने उसके ऊपर चीट किया है, वो दूसरे औरत के साथ सो रहा है। वो रोने लगता है तो किन बोलती है कि अब तुम क्या करोगे। किन बोलती है तुम्हारे जैसे प्रिटी लड़के को नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए, पर इवेंट स्टार्ट होने वाला है, प्लीज़ कुकिंग करो, उसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर और रेपुटेशन सब चला जाएगा। तो पार्टन बोलता है कि फूड तो आर्ट है जो दिल से निकलता है, जब दिल ही चकनाचूर हो गया है तो अब क्या होगा, अब तो मुझे कुछ भी नहीं करना, ये मेरा आखिरी दिन है। उसने तो हार मान ली थी, बट किन बोलती है वो उसके बदले ये सब करेगी। किन का फर्स्ट टाइम था किसी इवेंट में कि वो कुकिंग कर रही थी। वो कुकिंग करने लगती है, उसके हाव भाव से तो लग रहा था ये खाना बहुत अच्छे से बना रही है, और वो नाचते गाते हुए बहुत ही डिलीशियस खाना प्रिपेयर करती है। और अब ये सर्व होता है, बैंग अपने दोस्त के पास आकर अपने बिजनेस प्रेशर के बारे में बताता है, तो उसका फ्रेंड उसे वो फूड चखाता है। तो बैंग इसे खाते ही बोलता है उसे शेफ से मिलना है। अभी भी किन के साथ उसका दोस्त उदास था, तो किन बोलती है जिस दिन तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगी। वो उसे प्रॉमिस लेकर सो जाता है कि वो उसके साथ लंबे वक्त तक रहे। वो उसे उठाने लगती है बट वो उठ ही नहीं रहा था, तभी वहाँ कुछ और कुक आ जाते हैं जो कि किन को उसका जिम्मेदार समझने लगते हैं। किन समझाने की कोशिश करती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने पान पर चीट कर दिया है, बट वो नहीं मानते। वो भागने लगती है, तभी वहाँ बैंक आकर उसको पकड़वाने का आदेश देता है और वो वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए वो एलिवेटर के पास पहुँचती है जो सीसीटीवी से बैंक देख रहा था। बैंक के कहने पे उसके पीछे सिक्योरिटी पहुँचती है, बट फिर भी किन भाग निकलती है। किन स्टोरेज में छुपी थी, जिसे ढूंढ कर भी ये ढूंढ नहीं पाते। अब बैंक को वो फिर से मिल जाती है और वो सबको आगाह कर देता है। वो बाहर छिप जाती है। अब बाहर कोई सीसीटीवी नहीं था तो ये लोग ड्रोन चलवा देते हैं। बेचारी को बिना चप्पल के जाना पड़ता है। वो अपना लहंगा और जूता संभालते हुए भाग रही थी, बट वो फंस जाती है और बैंक देख लेता है ये तो वही लड़की है जो कि उसे उस दिन मिली थी। किन बोलती है अरे तू अब भी मेरे पीछे है, और वो उसे एक जूता मार के देती है जिससे ड्रोन का सिग्नल उड़ जाता है। ये बैंक को अच्छा और इम्प्रेसिव लग रहा था। वो अपना जूता छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। बेचारी अब सोच रही थी उसका जूता चला गया, उसका भाड़ा कितना ज़्यादा महंगा था। वो अब अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि कोई मसला हो गया है क्या। वो बोलती है नहीं। तो किन सारे सिक्योरिटी को अपने घर के बाहर देखती है और ये को बोलती है अगर वो लोग उसके बारे में पूछे तो वो ये कहे कि वो उसे नहीं जानती। ये बाहर जाकर बोलती है कि वो किसी भी किन को नहीं जानती। वो सब उसे फ़ोटो शोटो सब दिखाते हैं, बट ये साफ मना कर देती है। वो घर जाने की बात करते हैं, वो मना करती है। किन भूल से कुछ गिरा देती है और वो अंदर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे तुम मिल ही गई। किन उसे बताती है कि उसका कुछ इरादा नहीं था, उसने तो बस खाना बनाया था। वैसे कैसा था खाना, ख़राब था क्या। वो उसे बार बार माफ़ी मांगने लगती है तो वो बोलता है वो बहुत ही अच्छा था, अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसने इतना अच्छा खाना खाया। वो उसे पकड़ने नहीं बल्कि उसके खाने को ढूंढने आया था। वो खुश होकर उसे तमाचा लगा देती है। तो बैंक बोलता है कि ये बहुत ज़ोर का लगा, और वो इस बात से और ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो सपना नहीं देख रही। उसे पता चलता है कि अब पार्न ठीक है। वो उसके ग्लास शू को एकदम शाही अंदाज में लाकर बिल्कुल एक सिंड्रेला प्रिंस की तरह उसे पहनाता है। वो उसे फिर से एक बार मिलने के लिए नाइस टू मीट यू बोलता है और उन्हें इस हाल में दिन देखता है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप गाइस कि आप सभी को ये पार्ट अच्छा लगा हो। There was a time when you had
had me fall into the ground.